हेलो दोस्तों, वेलकम न्यू वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोग कैसे अपने एंड्रॉइड फोन से एक प्रोफेशनल अट्रैक्टिव थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, हाई फाई एप्लीकेशन, जो आप अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में यूज कर सकते हो एंड एक प्रोफेशनल अट्रैक्टिव थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में सिंपली आप लोगों को बताऊंगा आप लोग अपने एंड्रॉइड फोन से ही एक प्रोफेशनल अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हो एंड उस एप्लीकेशन का नाम क्या है एंड उस एप्लीकेशन का जो नॉर्मल यूज है उसके बारे में भी आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं भी सिंपली इस एप्लीकेशन का यूज करती हूँ एंड मेरा मानना है ये एप्लीकेशन एक बेस्ट एप्लीकेशन है। आप लोग भी इस एप्लीकेशन का यूज कीजिए एंड आप लोग भी सेम चीज बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो आपका भाई आ गया है फोन के स्क्रीन पर। इस एप्लीकेशन का जो नाम है मैं आपको बता देता हूँ, इस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब। इस एप्लीकेशन का लिंक जो है मैं सिंपली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस एप्लीकेशन को मैं अभी ओपन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने सिंपली इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, आप लोग सिंपली यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी इमेज देखने को मिल जाएगा। आप बैकग्राउंड में जो भी कोई आप लोग इमेज लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, सिंपली मैं इस इमेज को रहने देता हूँ यहाँ पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी कोई बैकग्राउंड इमेज है आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप लोग सिंपली यहाँ पर जा सकते हो। यहाँ पर से इमेज में जाकर आप लोग यहाँ पर बहुत सारी इमेज है, इस इमेज को भी आप लोग लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, सिंपली मैं इसको लगा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों राइट कर देता हूँ। आप लोग फ्रॉम गैलरी में जाकर आप कोई भी इमेज गैलरी से भी यहाँ पर लगा सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3D टेक्स्ट बोलकर जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आप लोग डिलीट करना चाहते हो तो इसको पहले एक बार क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग सिंपली करना चाहते हो यूट्यूब थंबनेल क्रिएट, तो आप लोगों को सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद इमेज साइज पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को कस्टम पर क्लिक करना है। यहाँ पर से दोस्तों आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है यूट्यूब थंबनेल। उसके बाद ओके पर क्लिक। देखिए दोस्तों, ये जो साइज है यूट्यूब थंबनेल का साइज हो गया है। उसके बाद आप लोग कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो आप लोग को सिंपली प्लस आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद टेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को इस पेंसिल की आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर से दोस्तों इसको पहले आप लोग मिटा दीजिए। उसके बाद जो भी कुछ आप लोग लिखना चाहते हो लिख दीजिए। मैं सिंपली लिख देता हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स। उसके बाद ओके पर क्लिक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये जो लिखा हुआ है इसको आप लोग बोल्ड कर सकते हो, इटालियन कर सकते हो, साइज बड़ा कर सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दोस्तों साइज पर क्लिक करके आप इसका साइज जो है बड़ा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद राइट पर क्लिक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कलर पर जाकर आप इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हो। देखिए बहुत सारी कलर है, मैं इसको रख देता हूँ। उसके बाद राइट पर क्लिक। उसके बाद दोस्तों आप लोग पेडिंग पे जाकर आप लोग इसको इधर भी बढ़ा सकते हो, इधर छोटा कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोग कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टाइल के ऑप्शन में जाके आप लोग इसको बोल्ड कर सकते हो, इटालियन कर सकते हो, बहुत सारी स्टाइल में आप लोग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद राइट पर क्लिक। उसके बाद दोस्तों आप लोग फॉन्ट में जाकर आप लोग कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हो यहाँ पर से। देखिए दोस्तों, मैं इस फॉन्ट को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद ओके पर क्लिक। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग जो भी कोई फॉन्ट रखना चाहते हो उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद ओके कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको ऑन कर दीजिए। देखिए बैकग्राउंड, देखिए जो भी कोई आप लोग बैकग्राउंड लगाना चाहते हो वो बैकग्राउंड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर से दोस्तों इसका बहुत सारा यूज है। आप लोग इसको एक बार चला कर देखिए, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके आप लोग ये जो लिखा हुआ है यूट्यूब शॉर्ट्स इसके ऊपर एक जो देखिए एक ब्लैक कलर का एक स्पॉट आप लोग लगा सकते हो। आप लोग जो भी कोई एक कलर का स्पॉट लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद राइट पर क्लिक। दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो सारे ऑप्शन को देख रहे हो, एक एक ऑप्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। आप लोग सिंपली एक बार यूज करके देखिए तो दोस्तों आप लोग को सिंपली सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड दोस्तों आप लोग YouTube में भी सर्च कर सकते हो पिक्सल लैब फुल ट्यूटोरियल वीडियो, तो आप लोगों को बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं सिंपली एक मेरा जो इमेज है यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए आपको करना है प्लस आइकन पर क्लिक। उसके बाद फ्रॉम गैलरी पर क्लिक। उसके बाद 3 लाइन पर क्लिक। आपका जो भी कोई इमेज है यहाँ पर से चूज कर लेना है गैलरी में जाकर। उसके बाद राइट बटन पर क्लिक। देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा जो इमेज है आ गया है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली चले जाना है इस ऑप्शन पर। इस ऑप्शन में जाके दोस्तों यहाँ पर जो भी सारे ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग अपने फोटो को
बहुत सारी स्टाइल में कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मैं सिंपली कर देता हूँ स्टॉप पर क्लिक। देखिए इसको मैं अनेबल कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए मेरे फोटो के साइड में एक बॉर्डर आ गया है। आप लोग कोई भी बॉर्डर लगा सकते हो। देखिए इस तरह से दोस्तों आप लोग यूज कर सकते हो बहुत ही आसानी से। यहाँ पर जो भी कोई ऑप्शन दिया हुआ है उसका हर एक ऑप्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। आप लोग सिंपली इसका जो ट्यूटोरियल है आप लोग एक बार जरूर से देखिए। तो सिंपली दोस्तों आप इस थंबनेल को सेव करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको करना है थ्री डॉट पर क्लिक, उसके बाद एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक, उसके बाद दोस्तों आप लोग करना है यहाँ पर कस्टम पर क्लिक। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग लो क्वालिटी, मीडियम, हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा पर आप लोग कर सकते हो इमेज को सेव। मैं सिंपली वेरी हाई पर कर देता हूँ क्लिक, उसके बाद सेव टू गैलरी। ठीक है दोस्तों, ये जो इमेज है गैलरी पर सेव हो गया है। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ चीज दिखाना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर फोल्डर पर देखिए ये जो सारे थंबनेल है मैं इस एप्लीकेशन की मदद से ही क्रिएट किया हूँ। देखिए बहुत सारी थंबनेल है मैं यहाँ पर सेव करके रखी हूँ। देखिए आप लोग देख सकते हो दोस्तों, बहुत सारी दोस्तों हजारों में थंबनेल है। देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए बहुत सारी थंबनेल। देखिए दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन की मदद से ही सिंपली क्रिएट किया हूँ। दोस्तों आप मैं सिंपली जाते हूँ गैलरी पर। देखिए दोस्तों ये जो थंबनेल है देखिए यहाँ पर सेव हो गया है गैलरी पर। तो चलिए दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आप लोगों को जरूर से पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में आप लोग इस चैनल में न्यू है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन घंटी है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर से मुलाकात होगी और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।